हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दें और लाइक ज़रूर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, तभी आने वाले टाइम में आपको नई नई वीडियो मिल पाएंगी। आज हम आपको ये वाला केक बनाना बताएंगे जो कि बहुत सुंदर लगता है और बहुत कम ऊन में बनता है, बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो हमने एक कैंडल भी लगाई है, आप लोग देख सकते हैं, एकदम लगता ही नहीं कि आपने ऊन से बनाया है, एकदम जो रियल का केक होता है ना वैसे ही लगता है। तो आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और वीडियो कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए वे स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 9 नंबर का क्रोशिया हुक लिया है और सबसे पहले हम इस तरीके से एक मैजिक रिंग बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। और इसमें हम बनाएंगे 2 चेन लेकर, 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2, 3, 4, 5, टोटल इसमें 12 हम बनाएंगे। 12 बनाने के बाद ये फर्स्ट वाली चेन में डाल के ज्वाइन करेंगे। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 चेन बना के केस के पास वाली चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 वापस इसी जगह एक और बना लिया तो 2 हो गई। फिर इसके पास वाली चेन में 2 बनाएंगे हम, 1 वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, ये 2 हो गई। फिर इसके पास वाली चेन में हम 2 बनाएंगे, तो इस रो में हमारे पास 12 चेन है, तो 12 में हम 2 बार बनाएंगे, ठीक है। 24 हमारे पास हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगी। ये देखिए वापस इसी जगह फिर से बनाया, पूरी कंप्लीट करने के बाद दिखा रहे हैं, देखिए पूरा हमने बना लिया। अब फिर से हम एक चेन ले लेंगे, एक चेन लेने के बाद के पास वाली चेन में 1 हाफ डबल क्रोशिया बनाया, वापस इसी जगह एक और बना लिया, ठीक है। एक में हमने 2 बनाना है, एक में 1 बनाना है, ठीक है। अब एक चेन में हम 2 बनाएंगे इसमें, और 1 बनाया, वापस इसी जगह एक और बनाएंगे, फिर इसके पास वाली चेन में 1 बनाएंगे। तो एक चेन छोड़कर हम फंदा बढ़ाएंगे, ठीक है। एक चेन में 1 बनाना है और दूसरी चेन में हमें 2 बनाने हैं, तो इस रो को ऐसे ही बनाएंगे, फिर आगे दिखाते हैं। हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है एक चेन लेकर। अब इस रो में हम 2 के बाद फंदा बढ़ाएंगे। देखिए पहली वाली चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 वापस इसी जगह बना लिया, 2 हो गई, ठीक है। अब 2 चेन में हम 1-1 बनाएंगे, देखिए इसमें 1 बनाया, इसके पास वाली चेन में 1 बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 चेन में हमने 1-1 बना लिया, तीसरी वाली चेन में हमें 2 बनानी है, 1 और ये 2। हर तीसरी चेन में हम 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए 2 चेन में 1-1 बनाएंगे, तीसरी चेन में हम 2 बार बनाएंगे, 1 और वापस इसी जगह एक और बना लिया, 2 हो गई, ठीक है। तो इस रो को हम ऐसे ही बनाएंगे, तो आगे हम आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। तो इसकी अगली रो में हम 3 के बाद फंदा बढ़ाएंगे। अब देखिए हमने इस तरीके से छोटा सा बॉक्स ले रखा है प्लास्टिक का, आपको अगर बड़ा केक बनाना है तो बड़ा ले लें, ठीक है। अब हम इसके नाप का बना लेंगे, देखिए यहाँ पर हमने इतना बना लिया है। टोटल हमने जो रो बनाई है हम आपको काउंट करके दिखा दें, देखिए देखिए 1, 2, 3, 4, 5 5 रो बनाई हैं, तो सेम तरीके से बनाई थी। पांचवी रो में हमने तीसरे 3 चेन के बाद फंदा बढ़ाया था चौथी चेन में। अब हम यहाँ पर वाइट कलर की ऊन लगाएंगे, आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं। और वाइट कलर की ऊन लगा के एक चेन लेनी है, 2 चेन लेनी है, ठीक है। 2 चेन लेने के बाद हम देखिए ये 2 तार देखेंगे आपको, आपको बैक लूप में डालना है और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए पीछे वाले तार में डालना है, यहाँ पर हम आपको दिखा दें, बैक लूप में डालना है, पीछे वाले तार में डालना है और एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। दोनों तार में नहीं डालना है, ठीक है, एक तार में डालना है, पीछे वाले तार में डालकर एक हाफ डबल क्रोशिया बनाया। इसके पास वाली चेन में भी सेम रिपीट करना है, जितनी भी चेन है हर चेन में हम पीछे वाले तार में डालकर 1-1 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरी रो कंप्लीट हो गई है। सेकंड रो में देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेन ले ली, अब देखिए दोनों तार में डालेंगे और 1-1 हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे,
ठीक है, फर्स्ट रो में ही हमें बैक लूप में डालना है और बाकी सब में हमें दोनों तार में डालकर और एक एक हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो दो रो हम वाइट कलर की बनाएंगे, इसके बाद हम अपने कलर चेंज करते जाएंगे। दो दो रो के बाद कलर चेंज करने हैं, आप चाहें तो एक कलर में भी बना सकते हैं, वो आपका चॉइस है। तो दो रो के बाद हमने कलर चेंज कर लिए हैं, आप चाहें तो एक कलर में भी इसको बना सकते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए एक तार में तो हमने वाइट कलर की ऊन से बनाया, अब जो ऊपर वाला तार रह गया है इसमें डाल के ज्वाइन करेंगे। तो हम स्काई ब्लू कलर की ऊन को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, और एक दो तीन, तीन चेन बना के वापस इसी चेन के अंदर हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है। चेन को काउंट करेंगे तो चार हो जाएंगी, देखिए तीन हो गई, वापस इसी जगह बनाएंगे तो ये चार डबल क्रोशिया हो गई। अब इस फंदे को हम निकालेंगे और जो तीन चेन लिए हैं इसमें डालकर देखो इसके अंदर से निकाल लिया, एक चेन ले ली, ठीक है। देखिए हम एक दो, दो तार छोड़ेंगे, तीसरे वाली चेन में डाल के स्लिप स्टिच बनाएंगे। अब फिर से यहाँ से चेन बनाएंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना के वापस इसी जगह एक डबल क्रोशिया बना लिया, चेन को काउंट किया तो दो हो गई हमारे पास, तीन और ये चार, चार डबल क्रोशिया के बाद इस फंदे को निकालेंगे, जो तीन चेन ली हैं इसमें डालकर देखो इसके अंदर से निकाल लिया, एक चेन लेकर फिर से हम दो चेन छोड़ेंगे, एक दो, तीसरे वाले में डालकर इसको स्लिप स्टिच ज्वाइन करेंगे, फिर से तीन चेन। पर इसमें हमने डबल क्रोशिया बना लिया तीन और चेन को काउंट किया तो चार हो गई, फिर से इस तरीके से बनाएंगे और फिर से एक चेन लेकर दो चेन छोड़ेंगे यहाँ पर हम, एक और ये दो, दो चेन छोड़ के कि इसी तरीके से हम पूरा बनाएंगे। और नीचे के साइड में लास्ट में भी हमें सेम तरीके से बनाना है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट वाली रो में भी हम बना लेंगे, फिर दिखाते हैं। देखिए हमने पूरा बना लिया इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम कैंडल बनाएंगे। तो कैंडल के लिए देखिए क्या करना है, हमें वाइट कलर की ऊन लेनी है और हम सबसे पहले चेन बनाएंगे, मैजिक रिंग बनाएंगे। इसके अंदर हम आठ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात और ये आठ, आठ सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद इसको खींच लेंगे और इसमें फर्स्ट वाले में डाल के ज्वाइन करेंगे। अब एक चेन लेके हम बैक लूप में डालेंगे, पीछे वाले तार में डालकर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए बैक लूप में ही डालना है, एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरीके से हमें बनाते जाना है, ठीक है, बैक लूप में डालकर, और अब इसमें डाल के ज्वाइन करेंगे। फिर से एक चेन लेके अब हम दोनों तार में डालकर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। दोनों तार में डालना है और बनाते जाना है इस तरीके से। हमने बना लिया, इतना लंबा बना लिया, इसके अंदर हम कॉटन भर ली हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए येलो कलर की ऊन लेकर नौ चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नौ चेन बना के तीन चेन छोड़ेंगे, एक दो तीन, तीन चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो दो डबल क्रोशिया हो गई। अब दो चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, देखिए एक और ये दो इस तरीके से। लास्ट वाले में हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरीके से घुमाएंगे और फिर से एक स्लिप स्टिच, दो सिंगल क्रोशिया। दो हाफ डबल क्रोशिया।
और ये दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरीके से, और इसमें हम इस तरीके से यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच बना के उनको कट करेंगे यहाँ पर, फिर आपको दिखाते हैं। देखिए उनको कट करना है। हमने कैंडल बनाई है, इसको हम इसमें अटैच करेंगे। इस तरीके से अटैच करेंगे, इस तरीके से, और दिखाते हैं आपको। तो हमने ये पूरा केक बना लिया है, बहुत प्यारा लगता है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। आगे भी ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं। अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, जब तक आप इसको एंजॉय करें। बाय।